आप प्लीज मंच पर आए डॉक्टर लक्ष्मी डी। जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे डॉक्टर लक्ष्मी डी का। और साथ ही साथ मैं चाहूंगी आप ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन के जरिए देखिए कि किस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में उनका जो अनुभव है वो काम आ रहा है। ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन आपको दिखाएंगे, तालियां बजती रहनी चाहिए लगातार आपकी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है उन अनुभवी लोगों के एक्सपीरियंसेस को जानना और फिर लगातार जोश और जज्बे के साथ उन पर काम करना, ताकि शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ाया जा सके। क्योंकि अगर शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, अगर प्रदेश के युवा शिक्षित होंगे, तो कई ऐसी समस्याएं हैं जिनका निपटारा अपने आप हो जाएगा, बेशक वो बेरोजगारी हो, गरीबी हो। और इसीलिए लगातार जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की भी कोशिश यही है कि किसी तरह से इन तमाम समस्याओं पर हम चर्चा करें लगातार। ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से जी एमपीसीजी लगातार इन कोशिशों में जुटा रहता है। और हमारा जो ये पैनल है वो भी काफी ज्यादा खास रहने वाला है, क्योंकि इस पैनल में हमारे साथ वो लोग जुड़ेंगे जो एजुकेशन के सेक्टर में, शिक्षा के क्षेत्र में काफी सालों से लगातार काम कर रहे हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं एक ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन। VIT भोपाल विश्वविद्यालय मध्य भारत का एक प्रमुख तकनीकी संस्थान है, जो माननीय कुलाधिपति डॉक्टर जी विश्वनाथन, वाइस प्रेसिडेंट श्री शंकर विश्वनाथन और असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट सुश्री कादंबरी एस विश्वनाथन के नेतृत्व में अपने भविष्योन्मुखी तकनीकी पाठ्यक्रमों और शिक्षण एवं अधिगम के क्षेत्र में अपने नवाचारों व कैलटेक की अभिनव शिक्षण प्रणाली के लिए जाना जाता है। अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे और अभिनव पाठ्यक्रम को प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए VIT में कुशल एवं योग्य शिक्षक हैं, जिनके पास शीर्ष राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संस्थानों से अनुसंधान का अनुभव है। छात्रों के भविष्य को एक मजबूत आधार देने के लिए कादंबरी विश्वनाथन ने शैक्षणिक पाठ्यक्रम में सामाजिक विकास संबंधी पाठ्यक्रमों को भी शामिल करने की पहल की है। उन्होंने स्वच्छ भारत और ईपिक्स यानी सामुदायिक सेवा हेतु प्रौद्योगिकी परियोजनाएं पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। स्वच्छ भारत पाठ्यक्रम विशेष रूप से छात्रों को देश में स्वच्छता के स्तर को सुधारने में योगदान करने के लिए प्रेरित करता है, और ईपिक्स छात्रों को सामाजिक आवश्यकताओं के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग की पहचान करने में मदद करता है। शिक्षा के क्षेत्र में VIT के जरिए उठाया गया हर कदम आज भोपाल ही नहीं बल्कि पूरे भारत में गुणवत्ता युक्त उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शित कर रहा है। और अब वक्त है हमारे अगले पैनलिस्ट को मंच पर बुलाने का। मैं आमंत्रित करूंगी प्रोफेसर डॉक्टर राजेश मलिक जी को। सर आप प्लीज मंच पर आए, डीन एकेडमिक हैं एम्स भोपाल से। जोरदार तालियों के साथ हम इनका स्वागत करते हैं, जिन्होंने अपने अनुभवों के माध्यम से हमें आज ये बताने वाले हैं कि किस तरीके से एम्स भोपाल शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में काम कर रहा है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत है हमारे अगले पैनलिस्ट डॉक्टर मनमोहन तापसे जी का, डीन रिसर्च एंड कंसल्टेंसी फ्रॉम मैनेट भोपाल। सर आप प्लीज मंच पर आए डॉक्टर मनमोहन तापसे जी। जोरदार तालियों के साथ हम इनका स्वागत करेंगे, जो अपने अनुभवों के माध्यम से आज हमसे ये साझा करेंगे, बताएंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में कहां पर और ज्यादा सुधार की जरूरत है और क्या संभावनाएं आने वाले समय में रह सकती हैं। हमारे अगले पैनलिस्ट रहेंगे प्रोफेसर सौम्य रंजन दास जी। सर आप प्लीज मंच पर आए, डीन फॉर एग्जाम्स हैं IIM इंदौर से। जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं प्रोफेसर सौम्य रंजन दास जी का। सर जोरदार तालियां आपके लिए, और आपके भी अनुभवों के माध्यम से हम ये जानेंगे, समझेंगे कि कैसे मध्य प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र को आगे बढ़ाया जा सकता है, क्या चुनौतियां रहेंगी, कैसे उन्हें हम पार पा सकते हैं। ओवर टू यू प्रिया। बहुत धन्यवाद पूजा। और देखिए बहुत अच्छा पैनल और बहुत दिलचस्प पैनल है, क्योंकि एक लंबा अनुभव है और किस तरीके से भविष्य आगे बढ़े, किस तरीके से अलग अलग सेक्टर्स के साथ जो एजुकेशन की हम बात करते हैं वो बच्चों तक पहुंचे, युवाओं में पहुंचे, ये आप लोगों की कोशिश है। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर लक्ष्मी जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। जब हम VIT भोपाल यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, VIT की बात करते हैं, तो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, यू डोंट नीड एनी इंट्रोडक्शन। अभी तक आपका सफर कैसा रहा, हाउ वाज योर जर्नी? मैनेजमेंट नोज द नीड ऑफ द सोसाइटी एंड द ट्रेंड ऑफ द एजुकेशन, सो बेस्ड दे आर आल्सो कॉन्स्टेंटली लर्निंग across the globe, and they are also keenly watching, reading the articles, and every stage of their process they are trying to learn the trends and societal needs. Based on that, they bring the best
knowledge contributors to the institution. Our institution has a special signature that 100% doctoral faculty members. So that every profile, they are attracting with different qualities. And they do have wide networking across the globe and within the nation as well. So based on the hub of the knowledge, expertise, they are constantly driving our students right from the induction to the placement, various process of learning, various process of skills and dispositions they are bringing. And that makes every students to be more confident and enthusiastic. Moreover, beyond the effort of the institution, I can say the institution itself is a miniature of India. We have every part of India, Indian faculty members are students. That the rich culture itself makes them to learn a lot of things beyond the curriculum or the book. So that is a unique part I could see at VIT. A lot of NRI students. So the cultural diversity makes everyone to be more empowered, and early exposure towards the globe and the work setup easily they could able to gain. So this is additional advantage of studying at VIT. So beyond all the effort of the management and the faculty members and by the infrastructure, this makes a lot of difference among themselves, and they are exposed to every cultural diversity, and they are trying to collaborate with the different mindset of students. We do impact collaborative active learning strategy through technology. This is the uniquely crafted design of the instructional strategy by the institute, keeping in mind the cognitive psychology, how the brain learns. This absolutely follows the science of learning, so that this process itself puts them into collaboration among different category of students, so that makes everyone to feel confident to work with a collaborative manner. I believe this is really important. बहुत ज़ोरदार तालियाँ ज़रूर बजनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने कहा कि VIT में आपको पूरी कल्चरल डाइवर्सिटी दिखेगी, हर राज्य के वहाँ पर फैकल्टी, एंड दिस इज वेरी गुड. ये बहुत अच्छा है पूजा. बिल्कुल. और प्रिया, तालियां इस बात पर भी होनी चाहिए कि बेशक मैम अपनी बात हिंदी में हम सबको समझा नहीं पा रही हूँ, लेकिन जो एफर्ट वो कर रही हैं, द एफर्ट यू आर मेकिंग इज ट्रूली कमेंडेबल. वो बहुत ज्यादा प्रशंसा के लायक है. जोरदार तालियां एक बार मैम के लिए. राजेश जी, अगला सवाल मेरा आपसे रहेगा, क्योंकि अनुभव बोलता है, लंबा चौड़ा अनुभव आपका है चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में. आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश में अभी और क्या संभावनाएं हैं, और कितना ज्यादा आगे प्रदेश अभी बढ़ पाया है? थैंक यू. सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि वी आर मेकिंग लॉट ऑफ एडवांसमेंट्स इन टर्म्स ऑफ मेडिकल एजुकेशन. सबसे मेजर एडवांसमेंट जो ये है, दैट इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस. और एम्स जो एक संस्था है, विच इज़ एन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस, इज वन ऑफ द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विच हैज़ बीन यू नो नाउ ब्रॉट इनटू ऑलमोस्ट एवरी स्टेट ऑफ अवर कंट्री. एम्स जब बने तो एक मैंडेट था. वो मैंडेट ये था कि हम इस प्रकार की एक चिकित्सा शिक्षा प्रणाली बनाएं विच बिकम्स अ बेंचमार्क फॉर अदर्स टू फॉलो. कंधों पर ये बोझ दिया गया कि आप उस प्रकार की एक प्रणाली डेवलप करें विच शुड कॉम्पीट विद द प्रेजेंट टाइम्स, विच शुड बी अब्रेस्ट विद द फ्यूचर चेंजेस, सो दैट जो स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं दे आर सपोजिटली द बेस्ट अमंगस्ट द बेस्ट इन अवर कंट्री एंड अब्रॉड. उसको ध्यान में रखते हुए हमारी संस्था, नीति आयोग और अन्य पॉलिसी मेकर्स के साथ मिलकर वी आर ट्राइंग टू डिवेलप and put forth a competency based medical education system. 2 minute yahan lena chahunga, what exactly is a competency based system? Hamara jo purv ka padhane ka tarika tha, usme we were talking of theory and practicals. Ye jo hamara naya syllabus hum logo ne develop kiya hai, that is based on the competency of the students, and it is a रिजल्ट ओरिएंटेड करिकुलम. मतलब हर छोटे छोटे समय के बाद हम उनका आंकलन करते हैं, हम उसका रिजल्ट देखते हैं, एंड देन वी क्रिएट न्यू फ्रेमवर्क्स बेस्ड ऑन कॉम्पिटेंसी. तो इसमें सिर्फ ये नहीं है कि आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा और उसे भूल गए, उस सब्जेक्ट का आगे आने वाले 5 सालों में कहाँ कहाँ कितना उपयोग होगा, उसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड टीचिंग. सो वी हैव नाउ चेंज्ड फ्रॉम subject based teaching modality to an integrated teaching modality, which is a very major change
इन द एजुकेशन सिस्टम. मनमोहन जी, मैं आपके पास आ रही हूँ. जब मेरिट की बात होती है तो जाहिर तौर पर आपकी भी भूमिका बहुत ज़्यादा अहम होती है. अभी तक आपका जो सफ़र रहा भविष्य को गढ़ने में, बच्चों को बेहतर दिशा दिखाने में, वो किस तरीके का रहा? मैं पहले ये बताना चाहूँगा कि मेरिट लगभग 60 वर्ष से भोपाल में है और गत 60 वर्षों से मध्य प्रदेश में और देश के सभी युवाओं को तकनीकी शिक्षा में एक देश का अच्छा नागरिक और एक अच्छा तकनीकीविद बनाने में अपना योगदान दे रहा है. मैं मेरिट से लगभग 31 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ. पहले विद्यार्थी रहा और उसके बाद उसी संस्थान में अब पढ़ा रहा हूँ. परिस्थितियाँ बहुत बदली हैं और विशेष तौर पर पिछले 2 वर्ष में बहुत ही ज़्यादा बदली हैं. तो यदि आप ये कहते हैं कि किस प्रकार परिवर्तन आया, तो तकनीकी क्षेत्र में जितना परिवर्तन आया है शायद और किसी क्षेत्र में उतना परिवर्तन नहीं आया, और उसी कारण तकनीकी शिक्षा भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है. मैं विशेष तौर पर कहना चाहूँगा कि जब हमारे सामने कोई कठिनाइयाँ आती हैं, कोविड ने एक हमारे सामने कठिनाई प्रस्तुत करी. चिकित्सा के क्षेत्र में उसमें बहुत सारा कार्य हुआ और उसी के कारण शायद हम वो जंग जीत पा रहे हैं या इस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं. लेकिन हमारे लिए ये आवश्यक है कि उसमें तकनीक का बहुत बड़ा योगदान रहा और पिछले 2 वर्षों में हमने इस पर बहुत ज़्यादा कार्य किया. हमने कोशिश की कि अपने विद्यार्थियों को शोध कार्य में किसी भी प्रकार के कोविड से संबंधित कार्य जितने भी उन्हें मिले उनको हम प्राथमिकता पर आगे बढ़ाएं. हमने भारत सरकार के साथ भी, चूंकि हम केंद्रीय सरकार के संस्थान हैं इसलिए भारत सरकार के साथ भी कार्य करते हुए लगभग 17 अलग अलग रिसर्च प्रोजेक्ट सबमिट किए जो कोविड से संबंधित थे. अभी उन पर कार्य जारी है जिसमें लोगों के लिए तकनीक का इस्तेमाल, समाज में किस तरीके से हम टेक्नोलॉजी के बेसिस पर लोगों के जीवन में बदलाव ला सकते हैं जो उन्हें कोविड से बचने में मदद करे, सामाजिक परिवर्तन और साइकोलॉजिकल चेंजेस क्या आ रहे हैं उस पर कार्य किया, नई तकनीक उनसे कोविड से बचाने में कैसे मदद करेगी उस पर कार्य किया. तो मैं एक बहुत बड़ा बदलाव पिछले 2 वर्ष में देख रहा हूँ जो रिसर्च और कंसल्टेंसी दोनों ही फील्ड्स में हुआ, जो मैं मेरिट में भी लीड कर रहा हूँ. सौम्य रंजन जी, अगला सवाल आपसे है क्योंकि आपने कई स्टूडेंट्स को तैयार किया है. आपके लंबे चौड़े अनुभव के दौरान आपको क्या लगा कि स्टूडेंट्स के सामने सबसे बड़ा चैलेंज कहाँ आता है, कहाँ पर अभी गुंजाइश की जरूरत है, किस ऐसे सेक्टर में, किस फील्ड में, हम टेक्निकल नॉलेज की बात करें, प्रैक्टिकल सेशंस की बात करें, थियोरेटिकली बात करें, कहाँ आपको लगता है कि अभी और काम करने की जरूरत है? देखिए, विशेषतः मैं IIM इंदौर से हूँ तो हम मैनेजमेंट की शिक्षा में ज़्यादा अपना योगदान जो है वो देश के निर्माण में कर रहे हैं. तो हमको जो हमारी शिक्षा पद्धति है IIM में, हमें जो बच्चे आते हैं वो हमेशा अपने ग्रेजुएशन के बाद ही हमको मिलते हैं. हमारे पास एक ही प्रोग्राम है जिसको हम इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट बोलते हैं. वो भारत का पहला प्रोग्राम है जो कि IIM इंदौर ने शुरू किया था. उस प्रोग्राम में बच्चे 12th के बाद हमको प्राप्त होते हैं और फिर हम उनका विकास करते हैं. तो हमारी जो अभिज्ञता है पिछले कई सालों से वो ये है कि वही जो छात्र होते हैं वो अच्छा कर पाते हैं जो कि अपने ग्रेजुएशन के दौरान हो, अपने पूर्व शिक्षा के दौरान हो. हमेशा कोई भी चीज़ है जिसका आप अध्ययन करते हो उसका उपयोग कहाँ हो पाएगा उस हिसाब से अध्ययन होती है. तो जिसको हम बोलते हैं कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज. तो जो भी स्टूडेंट है, जो भी छात्र है या फिर जो भी संस्था से वो आ रहा है, अगर वो उस दौरान उस चीज़ पे अपना पुराना जो पिछला एजुकेशन है उसको कंप्लीट किया है, उसको हमको आगे लेके जाने में ज़्यादा सहयोग होता है. क्योंकि एक क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस होती है, एक एप्लीकेशन ओरिएंटेड माइंडसेट होती है, विच इज़ वेरी रिक्वायर्ड टू सॉल्व द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स व्हेन कंपनीज हायर देम फॉर सॉल्विंग
uncertainties in the business because nobody can predict you whatever you are teaching in the classroom now, the same problem the student is going to face at a later stage. बच्चे को वो समस्या कभी नहीं आएगी जो आप उसको क्लासरूम में समझाए हो, उसको कुछ नई समस्या आएगी, उसको अपने अनुभूति के हिसाब से उसको समाधान करना पड़ेगा. तो उस केस में आपको वैसे ही छात्र चाहिए जो कि प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन हो. तो जो छात्र हमको मिलते हैं अगर वो अपने पुराने शिक्षा के दौरान उसको प्राप्त किए हैं तो हम उसको और बढ़ाने की कोशिश करते हैं, नहीं तो हमारे जो अध्यापक हैं, हमारे जो मित्र हैं जो कि बच्चों के कार्यकाल में अपना सहयोग देते हैं, वो कोशिश करते हैं कि बच्चे वो दो साल या चार साल जो हमारे पास रहते हैं उनमें वो स्थिति जो है वो विकसित हो. और आई एम इंदौर 1994 से काम कर रहा है मध्य प्रदेश में. और हम क्या चाहते हैं कि जो भी हम मध्य प्रदेश को वापस कर पाएं अपने सोसाइटल कंट्रीब्यूशंस को लेके, उस हिसाब से हम काम करते हैं. एक बहुत बड़ी चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा, कुछ और समय लूँगा आपका, हमारा मूल जो अध्ययन प्रक्रिया है उसके बावजूद एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है जो कि एग्जीक्यूटिव एजुकेशन कहा जाता है, जो कि जो लोग कार्यकार कर रहे हैं उनको शिक्षा को विकसित करने के लिए काम किया जाता है. एग्जीक्यूटिव एजुकेशन बोल सकते हैं, मैनेजमेंट डेवलपमेंट उसको बोल सकते हैं. अभी हम लोग मध्य प्रदेश के जो सीएम राइज शिक्षक का प्रोग्राम है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं सारे प्रिंसिपल्स को ट्रेनिंग करने के लिए ताकि वो जब अपने स्कूल में वापस जाएं तो अच्छे शिक्षा पद्धति को वहां पे मूलभूत रूप से स्थापित कर पाएं. हम ये भी कोशिश करते हैं कि मध्य प्रदेश के जो भी सरकारी संस्थाएं हैं, हम हमेशा बोलते हैं कि आप हमें समस्या दीजिए हम आपको समाधान देंगे, तो उनके जो भी मैनेजमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसको हम कोशिश करते हैं कि अपने रिसर्च और कंसल्टिंग के सहायता से उसका समाधान करें. राजेश सर, मैं आपके पास आ रही हूँ. मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ सर को एक माइक ज़रूर अवेलेबल करवा दें. जी राजेश सर, मेरा सवाल यहाँ पर आपसे ये है कि जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, हम जब शिक्षा की बात करते हैं तो हमेशा गुंजाइशें रहती हैं और हमने देखा कि नवाचार के ज़रिए बदलाव हो भी रहे हैं, लेकिन जब एम्स की बात होती है तो उन नए चीज़ों को अपनाने में, नई टेक्नोलॉजीज़ को अपनाने में अभी एम्स किस तरीके से आगे बढ़ रहा है और भविष्य के लिए, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ कुछ ना कुछ आ रहे हैं, हर दिन कुछ ना कुछ आविष्कार हो रहा है, तो उन चीज़ों को लेकर एम्स भोपाल कैसे बढ़ रहा है? एम्स भोपाल जब शुरू हुआ तो हमारे पास एक एम्स दिल्ली का बेंचमार्क था, वो हमारे लिए एक बहुत ही प्लस पॉइंट था क्योंकि वी नो दैट वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस लेवल. तो इसलिए हमारे यहाँ पे जो भी उपकरण आए वो उस समय के लेटेस्ट लॉन्चेस जो थे वो सारे उपकरण हमारे एम्स में मौजूद हुए. इसके साथ ही साथ जब फैकल्टी चयन की बात हुई, सो यू विल बी वेरी हैप्पी टू नो दैट हमारे यहाँ फैकल्टी इज़ फ्रॉम ऑल अक्रॉस द कंट्री. इट्स नॉट अ स्टेट डोमिनेटेड सिलेक्शन प्रोसेस, इट्स अ ऑल ओवर इंडिया सिलेक्शन प्रोसेस. और वी हैव ट्राई टू हैव अ ब्रेन ड्रेन फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री. जब इस तरीके का हमारे पास एक ब्रिलियंट मैन पावर है, इस तरीके का हमारे पास संसाधन मौजूद है इक्विपमेंट्स के टर्म्स में, और इस तरीके का हमारे में एक जील और एंथुजियाज्म है, तो आई थिंक एम्स इज ऑन द राइट ट्रैक. सारी मोडालिटीज़ यहाँ फंक्शनल हैं, सारे सुपर स्पेशलिटीज़ यहाँ फंक्शनल हैं. वी आर नाउ द रेफरल सेंटर्स ऑफ नॉट ओनली द स्टेट बट फ्रॉम ऑल नेबरिंग स्टेट्स. हमारे पास महाराष्ट्र से, गुजरात से, अन्य स्टेट से भी सारे पेशेंट्स. आपने एक सवाल किया था मेडिकल टूरिज्म का, तो मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि वी आर ऑलमोस्ट केटरिंग टू 5 स्टेट्स, नेबरिंग स्टेट्स जहाँ से हमारे यहाँ मरीज आते हैं. और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं दे आर फ्रॉम ऑल अक्रॉस द कंट्री, and in students mein there is a zeal to work, there is a zeal to do research. Mere students ne aaj ki tarikh tak 250 sts projects, jo research projects icmr grant karta hai, wo hamare students ne banaya hai, which is itself very commendable. So we are actually moving in the right direction. Dr. Lakshmi, because pandemic was very alarming situation for each one of us, though our educational institute tried their best to give the possible outcome in every way, but do you think when it comes about the digital education there is still a gap that needs to be filled? Digital education mein abhi koi aur kaam karne ki gunjayish? The technology helped during this pandemic for connecting with the students, imparting knowledge, but where the challenge we face is imparting skills.
impacting the behavior. So these two are the major challenge everyone can face during this pandemic situation. So the virtual laboratories and the video recording of the laboratory experiments and simulation platforms, these all have been created and these all helped our students a lot. And even we need to be ready, every institution or the entire academic fraternity should be ready to face any of the global crisis in the near future also. So we need to take care of the temperament of learning when they are behind the screen. So how we will be gauging that? We all need to be ready with AI-enabled software or some of the emotional recognition software or some how we can understand about students' temperament while they are learning or during that semester in progress. Also, we all need to be ready a lot towards virtual learning for the laboratory experiments. These 2 years of this pandemic education among most of the science and engineering especially made students to be handicapped with the skills development. So that can be compensated temporarily through simulation platforms and virtual platforms. We do have some of the platforms and we have taken the support of all the IITs. Most of the IITs, they have developed and released the virtual platforms for the benefit of the students across the nation. So those are all the platforms have been adapted, and some of the Western universities, they well ahead, they have developed most of the simulation platforms for physics, chemistry and mathematics, and some of the engineering platforms also, electrical, electronics and also for the mechanical. So these are all the combination of the platforms together. We need to aim to face the next crisis. Even you we have like not the only constant is change, and we have to adapt that yeah, change. We have not even come out of this pandemic yet. Even the new channel started spreading monkeypox and the next variant, and we are clueless. So we, whether it ends, pandemic ends or not, we all need to be ready for the blended mode and imparting skill. The future is expecting skills and innovation rather than knowledge. The era of knowledge has been stopped up to 2020 education 3.0. Right from 2021, we stepped already into education 4.0. That is the best suitable education strategy to meet industry 4.0. What that emphasizes, it's a single mantra line, that is innovation and skills. So we need to move the curriculum from the knowledge to the skills and the innovation centric and entrepreneurial centric. So these three are the demand expected in the education 4.0. So that suits naturally to handle this pandemic situation also. I don't know, globe is designing to meet a challenge also. And it has all become new normal. Theory also. So we all need to be ready with imparting these three into our curriculum. So the curriculum recommendation by the framework of education 4.0, they say that 70% it should be skills, 70% it should be towards critical thinking, innovation and entrepreneurship rather than the knowledge. They are emphasizing knowledge need to be gained when the students touching upon the skills and innovation and the entrepreneurship on the demand, so that the national education policy also gives complete flexibility to the students. But there is, it's a kind of giving knife to the child. So when we give complete freedom to the students, they should know how to design their path of learning. Now we are not NEP not emphasizing career. The NEP demands or forces students to choose their learning path. So they need to be an active listener. They need to think different perspectives, different diversified thoughts. When the NEP is adapted, nobody is going to pamper. No faculty is going to guide, no institution going to guide. So it's parents need to be more responsible, and also students need to be more responsible, because when the 100% freedom is given, it is much more danger than putting them in a single box. So we all need to be ready for NEP implementation, education 4.0, and to meet any other global challenge in the near future. Anything may happen. It's just a simple COVID-19 pandemic, I can say. Much more may happen. So with that, thank you. बिल्कुल, ये बहुत जरूरी भी है. प्रोफेसर सौम्या, मैं आपके पास आ रही हूँ. जिस तरीके से मैम ने कहा कि कोविड ने बहुत सारी चीज़ें हमें सिखाई हैं, और उसके बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसमें स्टूडेंट्स को ये अपॉर्चुनिटी दी गई कि वो खुद तैयार करें, वो खुद सोचें कि उनको क्या करना है, वो खुद इसको अडॉप्ट करें.
अगर हम IIM की बात करते हैं, नॉलेज प्लस स्किल और उसके बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इन तमाम चीज़ों को देखकर, इन तमाम चीज़ों का जो समावेश होता है वो किस तरीके का हो रहा है IIM में? जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि शायद भारत में पहली बार हो रहा है, और इस संदर्भ में हमारा सरकार को भी काफ़ी श्रेय जाता है कि वो इस तरह की एक पॉलिसी लेके आए हैं। IIM इंदौर में हम कोशिश करते हैं बहुत कुछ कुछ चीज़ें जो हम करिकुलम में करते हैं, विच इज़ वी आर ट्राइंग टू डू क्वाइट अर्ली, बट नाउ इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई सेड अबाउट दिस इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, जो कि एक बच्चा 12th कक्षा के एग्ज़ाम के देने के बाद हमारे पास आता है एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू, तो उनको सिर्फ मैथमेटिक्स का कोर्स होता है ऐसा नहीं है, उनके करिकुलम में मैथमेटिक्स भी होती है, उनके करिकुलम में डांस और ड्रामा भी होता है, उनका करिकुलम में साइकोलॉजी भी होती है, उनके करिकुलम में इकोनॉमिक्स भी होती है। तो इस केस में हम ये नहीं बता सकते कि ये स्टूडेंट चूज़ करता है, ये कुछ हद तक हम लोग डिसाइड करते हैं कि उसको किस प्रोपोर्शन और किस मिक्स में हम वो स्टूडेंट को वो इम्पैक्ट करें। हाँ, जब स्टूडेंट को इलेक्टिव लेने की मौका मिलता है तो वो स्टूडेंट खुद डिसाइड करता है कि वो किस तरह का कोर्स लिया जाए, लेकिन क्योंकि ये पिछले कई सालों से हमें प्रोग्राम को चला रहे हैं, तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एक इम्फेसिस है कि स्टूडेंट्स को मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन का स्कोप मिले, वो उस कोर्स में हो रहा है। और उसका एक सबसे बड़ा जो आप बोल सकते हैं कि एडवांटेज है, वो ये है कि हम जो स्टूडेंट्स को बाद में हमको मास्टर्स में मिलते हैं, वो स्टूडेंट्स सिर्फ मैथमेटिक्स में अच्छा हो ऐसा नहीं है, वो स्टूडेंट ये जानता है कि मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन एक इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कैसे किया जाता है, वो एक एडवांटेज है। दूसरा चीज़ ये है, क्योंकि वो स्टूडेंट्स को ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेस कोर्सेज का स्कोप मिलता है पढ़ने के लिए, जब भी वो मैथमेटिक्स और दूसरे कोर्स को भी पढ़ रहा है, तो दे आर नॉट जस्ट बिकम गुड मैनेजर्स, दे आर ऑल्सो गुड बिकम ह्यूमन बींग्स। एक अच्छा मनुष्य ही अच्छी तरीके से एक संसार का अच्छा से निर्माण कर सकता है, जस्ट बिकॉज सिंस दे हैव सम काइंड ऑफ एक्सपोजर टू ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस, दे आर मोर इंक्लाइन।